तो नबाजी दे जमाना, तू नबाजने पे आए तो नबाज दे जमाना, तू नबाज मुही जो ठेरा तो करम का क्या ठिकाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी है तुमसे कहीं तुम बदल ना जाना, कि इस करम का करूं से अदा, इस करम का
दोबारा हूँ, जिक्र सरकारी की है बड़ी बरकतें, 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 मिल गई राहते अजमते रिफुअते, मिल गई राहते अजमते रिफुअते, मैं गुनाहगारी था बेअमल नाचते नहीं है, नाचना मत इस पे, और गानों पे नाच लेना, नात पे नाचते नहीं है। हाँ जड़े यसे रब वाले भाई दो, जड़े यसे रब वाले भाई दो, तनुकाली कबली सुजदी है, तनुकाली कबली सुजदी है, जड़े यसे रब वाले भाई, जड़े यसे रब वाले भाई दो, तनुकाली कबली सुजदी है, तनुकाली कबली सुजदी है, जहान ते बुन ठगदी है, अपने महबूब का उम्मती कर दिया, अपने महबूब का उम्मती कर दिया, अब है
क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने हमें अपने महबूब का उपदी कर दिया। बेबंदगी उरूज किया बंदा कर दिया, 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 तारा मेरे नसीब का ताबिंदा कर दिया, तारा मेरे नसीब का ताबिंदा कर दिया। बाबा जी और हमारे शकील भाई शकील सैफी साहब भी यहाँ बैठे हैं। एक हिंदू शायर कहते हैं, अकीदत पे किसी की पाबंदी नहीं है। जनाब महेंद्र कुमार अश्क बिजनोरी कहते हैं, सरकारे दो आलम के लिए कह रहे हैं कि शबो रोज मदीने हम भी जाएंगे, शबो रोज मदीने हम भी जाएंगे, चांदनी में सोएंगे नूर में नहाएंगे, चांदनी में सोएंगे नूर में नहाएंगे। और नात का सहारा तो इसलिए लिया हमने, नात का सहारा तो इसलिए लिया हमने कि नात के वसीले से हम भी बख्शे जाएंगे। अरे क्या ये कम है, 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 जो भी साईं दरबार गया है लाडी शाह मुराद शाह वो जरा अपने हाथ ऊपर करें। क्या ये कम है, 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 क्या कम है, क्या ये कम है, क्या ये कम है, वो जिसको चाहे ऊंचो सवाल देता 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 है। मेरा मौला तो हर एक को कमाल देता है, मेरा मौला तो हर एक को कमाल देता है। अब इससे बढ़ के कर्म की मिसाल क्या होगी, अब इससे बढ़ के कर्म की मिसाल क्या होगी, अब इससे बढ़ के कर्म की मिसाल क्या होगी, अब इससे बढ़ के कर्म की मिसाल क्या होगी। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता, क्या ये कम है। आते हैं तेरे दर पे हर एक घराने से, आते हैं तेरे दर पे हर एक घराने से, मिलती है भीख सबको साईं के खजाने से, मिलती है भीख सबको साईं के खजाने से। यहाँ पर एक बच्चा बैठा है तो तकरीबन 8 साल लगे मुझ तक पहुंचने में, मुझ तक पहुंचने में 8 साल लगे। उसका नाम है आकाश देवा। मैं चाहूंगा इसके लिए जोरदार तली बजाएं, इस बच्चे के लिए। बहुत अदबदार, बहुत ताबेदार। गाना बजाना अलग चीज है, अदब अलग चीज है। गाना बजाना धारा रह जाता है अगर अदब ना हो, और अगर अदब हो तो बेसुरे भी चल जाते हैं। अरे क्या ये कम है, क्या ये कम है, कम है, क्या ये 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 कम है। जिसने पढ़ी नमाज वो अल्लाह का खलील हो गया, जिसने पढ़ी नमाज वो अल्लाह का खलील हो गया, और जो रहा फकीरों की सोबत में वो शकील हो गया। क्या ये कम है, क्या ये कम है, कम है, क्या ये 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 कम है।
देखो, अजमेर की गलियों से देखो, आसार मदीना मिलते हैं। अजमेर की गलियों से देखो, आसार मदीना मिलते हैं। अजमेर की गलियों से देखो, आसार मदीना मिलते हैं। ख्वाजा से निगाहें मिलते ही सरकार मदीना मिलते हैं। पिताजी उस्ताद हयात जानी कहते हैं, क्या ये कम है? मुझको दुनिया ना दुनिया का सर चाहिए, मुझको दुनिया ना दुनिया का सर चाहिए। जाना भी एक करम की नजर चाहिए, जाना भी एक करम की नजर चाहिए। सबस गुंबद के साए में बैठा रहूं, मायने बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे। सूफी का मतलब होता है जो सबकी बुराइयां अपने सर ले और सबको शिफा दे, उसे सूफी कहा जाता है। है जी बाबा जी, सबकी बुराइयां अपने सर ले और उसको भी दुआ दे, उसे सूफी कहा जाता है। सूफी के मायने जितने भी लोग बैठे हैं यहां पर, हाँ मैं आपको एक चीज सुना रहा हूं, जिससे लफ्ज कव्वाली में फारसी कहते हैं, फारसी यानी पर्शियन। पंजाबी में गाना बहुत आसान है, हिंदी में गाना बहुत आसान है, छोटी मोटी जमानों में गाना बहुत आसान है, लेकिन संस्कृत और फारसी में गाना बच्चों का खेल नहीं है। एक एक लफ्ज की गहराई नापी जाती है। अरे पंजाबी में इतने उठे लगा दो काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, बड़ी आसानी रखी है पंजाबी में। लेकिन अगर फारसी में जेर जबर का फर्क आ गया तो मायने बदल जाते हैं। आ क्या ये कम है, ये कम है, बाबा जी इसका उर्दू तर्जुमा, तर्जुमा मायने ट्रांसलेशन हिंदी पेश कर रहा हूं। दिल बुरुद अजमन रोज शामे कितना तरा दे महशर खिरा में, मुश्की खते हूँ सुंबुल गुलशन लाली लबे हूँ पादा बजा में, रूवे मुबीनस सुबह तजल्ला लोहे जबीनस, माहे तमा में आते अबरू वातीर मिजगा आमा तहरियक पर कतले आमे अजिस में लर्जा लर्जा तो आलम वसुल पे बरहम बरहम निजामे आरिश आरिश केसू च केसू सुबह च सुबह शामे च शामे। अब इसके मायने सुन रहे हैं। जुल्फ खुल जाए तो बादल को पसीना आए, जुल्फ खुल जाए तो बादल को पसीना आए। ये ट्रांसलेट मेरे उस्ताद, मेरे वालिद उस्ताद हयात निजामी, उन्होंने किया उर्दू ट्रांसलेशन। जुल्फ खुल जाए तो बादल को पसीना आए, खुल जाए तो बादल को पसीना आए। गुनगुनाता हुआ सावन का महीना आए, गुनगुनाता हुआ सावन का महीना आए। हाल ऐसे है कि बरसात ऐसे है कि
नबी है कि जिसका कोई जवाब नहीं, क्या ये कब है? क्या ये कम है अदर भाई? हजरत निजामुद्दीन औलिया कौन कौन गया है दरगाह पे, बारगाह पे कौन कौन गया है? आए हाय शकील भाई, आज मैं आपको एक ऐसी चीज सुना रहा हूं जो अक्सर आपने सुनी होगी, नमीदा नमचे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, फारसी का कलाम है हजरत अमीर खुसरो का, इसका उर्दू तर्जुमा सुनाऊंगा पहली बार। ये चैलेंज है अगर कोई आपको तर्जुमा सुना दे, ये तुखम तादी सोबत का असर है जो बुजुर्गों से सीखा है। हाँ सुनिएगा बाबा जी, नमीदा नम च मंजिल बूद शब जाए के मन भूतम, नमीदा नम च मंजिल बूद शब जाए के मन भूतम, सीख ले बेटा काम आएगा, कहीं अगर कवाली में महफिल में फंस गया तो तेरे बड़ा काम आएगा ये कलाम। हाय हाय, नमीदा नम च मंजिल बूद शब जाए के मन भूतम, नमीदा नम च मंजिल बूद शब जाए के मन भूतम, बाहर सूरक्ष बिस्मिल बूद शब जाए के मन भूतम, बाहर सूरक्ष बिस्मिल बूद शब जाए के मन भूतम। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, न जाने थी वो कल शब कौन सी मंजिल जहां मैं था, न जाने थी वो कल शब कौन सी मंजिल जहां मैं था, न जाने थी वो कल शब कौन सी मंजिल जहां मैं था, न जाने थी वो कल शब कौन सी मंजिल जहां मैं था, वहां चारों तरफ थे रक्स में बिस्मिल जहां मैं था, वहां चारों तरफ थे रक्स में बिस्मिल जहां मैं था, खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो, खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो, खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन भूतम, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन भूतम, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन भूतम, खुदा खुद मीर था, खुदा खुद मीर था उस बज़्म में सुन लो जरा खुसरो, खुदा खुद मीर था उस बज़्म में सुन लो जरा खुसरो, खुदा खुद मीर था उस बज़्म में सुन लो जरा खुसरो, मोहम्मद मुस्तफा थे रौनक महफिल जहां मैं था, क्या ये कम है, क्या ये कम है, क्या कम है, क्या ये 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 क्या ये कम है। उसकी हर वक्त में हर दौर में इज्जत होगी, उसकी हर वक्त में हर दौर में इज्जत होगी, ये अशार जो पेश कर रहा हूँ उस्ताद की सोहबत का असर, तालीम का असर, ये मेरे खुद के लिखे हुए अशार है जी, क्या कह रहा हूँ समझो चाहूंगा। उसकी हर वक्त में हर दौर में इज्जत होगी, उसकी हर वक्त में हर दौर में इज्जत होगी, जिसको सरकार तो आलम से मोहब्बत होगी, जिसको सरकार तो आलम से मोहब्बत होगी, दिल में हो याद नबी और हो सजदे में सर, दिल में हो याद नबी और हो सजदे में सर, उस घर में सदा अल्लाह की रहमत होगी, जाती है हाथों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है।
हुए हैं, इससे डरना मत। ये इस बात का एहसास दिला रहा है कि वो है। जो लोग भूल गए थे भगवान ईश्वर को, उसने बता दिया कि मैं था हूं रहूंगा। और मेरे बाबा जी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि मेरे सरकार, मेरे मालिक, मेरे लाडीशा, मेरे महबूब लाई है, मेरी माता रानी है, मेरे गिरधर गोपाल है, मेरे साईं, इन सबको बुरी बला से बचा और बाबा जी को उतनी रौनक अता फरमा कि ये जो आदम दिख रहा है इस घर में इतनी रौनक रहे कि जब भी आंख खुले रोशनी की चमक रहे। यही चाहूंगा मैं सभी। और इंशाल्लाह मेरी औकात तो नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा बाबा जी के लिए कि लोग साल का इंतजार करते हैं इस मेले के लिए। मैं दुआ करूंगा कि हर रोज मेला हो और हर रोज महफिल सजे। जो लोग चाहते हैं हाथ ऊपर करेंगे। क्या बात है? अरे क्या ये कब है, 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 क्या ये कब है। ऐसा नशा हुआ है साईं के बारे में जानना बड़ा मुश्किल काम है। श्री साईं गाने से कुछ नहीं होता, साईं को पाने से बहुत कुछ होता है। आहा, अरे तू उसे चाहे बड़ी बात नहीं है, वो तुझे चाहे तो बड़ी बात है। अरे क्या ये कब है, क्या ये कब है, कब है, क्या ये 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 कब है। अरे ऐसा नशा हुआ है क्या, अरे ऐसा क्या बात है, ऐसा नशा हुआ है, अरे ऐसा नशा हुआ है, कि लंगर भंडारा, लंगर भंडारा बैठ के खाते या खड़े होके, कैसे खाते, बैठ कर ना, ये भी लंगर है। हाँ जी, इसके बाद, क्योंकि अगर ये रुक गया ना तो सारे मामले रुक जाएंगे। आपको पता नहीं है, क्या ये कब 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 है। भले मेरी सांसें रुक जाए, उसकी इबादत नहीं रुकनी चाहिए। क्योंकि अगर उसकी इबादत रुक गई तो मेरी सांसें रुक जाएंगी, अगर उसकी इबादत चालू रही तो मेरी सांसें भी चालू रहेंगी। क्या ये कम है, 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 क्या ये कम है। हाय हाय, दिल्ली की गलियों में हमने, दिल्ली की गलियों में हमने, दिल्ली की ये 22 ख्वाजा की चौखट है दिल्ली, पता है लोगों को। दिल्ली 22 ख्वाजा की चौखट है, 22 ख्वाजा यानी दिल्ली में 22 ऐसे पीर फकीर हैं, ऐसी दरगाहें, ऐसी बारगाहें हैं जिनके बारे में बहुत से जानते भी नहीं। हाँ जी, और वो इंशाल्लाह आपको यहाँ गिन के बताऊंगा 22 बारगाहें कौन सी हैं। अरे है, क्या ये कम है, क्या ये कम है, क्या ये कम है, दिल्ली की गलियों में हमने संतों को टहलते देखा है, दिल्ली की गलियों में हमने संतों को टहलते देखा है, दिल्ली की गलियों में हमने, दिल्ली की, इस जगह का नाम निहाल विहार है ना, निहाल विराग की गलियों में हमने, निहाल विहार की गलियों में हमने
संतों को टहलते देखा है और लाडी शाह को बाबा के हुजरे से निकलते देखा, बस देखो जुमरात को आपके घर से कोई साया निकलेगा जो बुरा है वो निकलेगा, जो निकी के फरिश्ते वो आपके घर में दाखिल हो जाएंगे। क्या ये कम है, क्या ये कम है, कम है क्या ये कम है, क्या ये कम है, क्या ये कम है, क्या ये कम है, क्या ये कम है। ओ हमारे पापा जी आए हैं, मैं गुरु नानक जी की बानी सुनाऊंगा आपको। आए है, एक ने कहा दूजे ने मानी, ये मैंने कह रहा गुरु नानक जी ने फरमाया, एक ने कहा दूजे ने मानी, गुरु नानक कहे दोनों ज्ञानी। हाय हाय, एक ने कहा दूजे ने मानी, गुरु नानक कहे दोनों ज्ञानी। यही बात एक हमारे महेंद्र सिंह बेदी फरमाते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह बेदी, इश्क हो जाए किसी से कोई इशारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई इशारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई इशारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई इशारा तो नहीं। मुझे वो भी आता है कफारा रस के कमर, लेकिन ये हर किसी का बस का काम नहीं है। इश्क हो जाए किसी से कोई इशारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई इशारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई एक हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद की चारा तो नहीं, बस क्या ये कम है, क्या ये कम है, क्या ये कम है। ये शेर मैं पूरा सुनाता हूँ। हाँ हम किसी कौम से हैं साहिब किरदार तो हैं, किसी कौम से हैं साहिब किरदार तो हैं, हम सना खान शहे अहमद मुख्तार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो है, नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो है, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इशारा तो नहीं, क्या ये कम है, क्या ये कम है, क्या ये कम है, क्या ये कम है। ये बड़ा खामोश आदमी इतना कुछ जानता है, ये वैसे तो घर में बिल्कुल चुप रहता है, लेकिन कहते हैं तो खम ताजी सोबत का असर। क्या ये कम है, 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 क्या ये कम है। ये बात कहना चाहूंगा, सबका लुटा के बांटना, सबका दिखा के बांटना, आय हाय आय हाय, क्या ये कम है, सबका लुटा के बांटने से जागीर नहीं मिलेगी। जो लोग लंगर बांटते हैं या कुछ बांटते हैं तो स्क्रीन पे दिखाते हैं कि मैंने बांटा, अपने जहन में एक बात रखें कि तूने दिया नहीं, उसने तुझसे दिलाया तो तूने दिया, वरने तेरी औकात क्या, तू क्या देगा। आए आए, तूने लुटा के दिखाया तो जागीर तो नहीं, और दिल में बसे मोहम्मद हैं उनकी तस्वीर तो नहीं, क्या ये कम है, 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 क्या ये कम है। सभी माशाल्लाह समझदार लोग बैठे हैं, तो मैं तो चाहूंगा चार मिसरों पे क्या ये कम है
इससे बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता। शकील भाई खास तौर पे इस शेर पे तवज्जो चाहूंगा आपसे। इश्क़ के बाबा जी आपसे भी, इश्क़ के नबी संभाल खुदा देख रहा है, इश्क़ के नबी संभाल खुदा देख रहा है। हजरत यूसुफ पूरी दुनिया जानती है कि बहुत आप बहुत हसीन थे, मगर सरकार दो आलम का मकाम अल्लाह हुआ कर। बेशक इश्के नबी सवाल खुदा देख रहा है, इश्के नबी सवाल खुदा देख रहा है। मुझी है बेमिसाल खुदा देख रहा है, मुझी है बेमिसाल खुदा देख रहा है। यूसुफ हसीन अपने जमाने में थे मगर, यूसुफ हसीन अपने जमाने में थे मगर, यूसुफ हसीन अपने जमाने में थे मगर, सरकार का जमाल खुदा देख रहा है। का ये कम है, 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 का ये कम है। लम्हा लम्हा है हम पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है हम पर नबी की अता। सितार मांगू मैं मौला से क्या, सबदे लिए भला सबदे लिए खैर है पाजी, अगर अदर आ और जितने भी लोग तरस रहे थे उनको भी शिफा मिलेगी, और जो लोग हमारे साईं जी के दरबार में बैठे हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग साईं बाबा को जानते हैं, साईं लाडी शाही जी को जानते हैं, महामाई को जानते हैं, उस साईं को कृष्ण कन्हैया को मानते हैं, एक चीज कह के जाना चाहूंगा, जब मैं जाऊंगा तो मैं यही कहूंगा कि अब भी समझ जाएं, एक मौका और मिला है संभलने का, निंदा और गीबत से बचें। ये सन 2021 जो आ रहा है, ये इकाई दिहाई सैकड़ा ये बता रहा है कि 2020 में सबकी किल्लियां उड़ा दी ऊपर वाले ने, लेकिन सन 2021 में अगर एक हो जाओगे तो तुम्हारे लिए 21 अच्छा हो जाएगा सबके लिए, चाहे किसी मजहब का हो, कोई भी आलिम फाजिल हो, कोई भी बड़े से बड़ा समझदार हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा, पुकारो तुम्हारे बाबा जी, तुम्हारे
तुम्हारे दर पे मैं करता हूं इसलिए सजदे तुम्हारे दर पे सजदे में काम हो जाए इसी उम्मीद पे सन 2021 आ रहा है इसी उम्मीद पे सन 2021 आ रहा है कि तेरे गुलामों में हम सब का नाम हो जाए। कैसे कि जीरो भी बेकार है अगर एक ना हो, अकेला फिरता फिरेगा जीरो, आज पढ़ लेना, अकेला फिरता फिरेगा जीरो को रख दो अलग से, एक को हटा दो तो पता चलाएगा, पता चल जाएगा एक की अहमियत क्या। और क्या कहेंगे, पुकारो अपने साई को पुकारो
दरबार को सफा रखता है। आए हाय पुकारो बाबा जी के लिए एक बात कहना चाहूंगा, इनको हल्के में मत लेना, ये तो मैं समझा दूं, क्योंकि मैं इनसे पहली बार इतनी देर बैठा हूं। जब ये घर पे आए थे 4 घंटे हमारी क्या गुफ्तगू हुई है वो या तो रब जाने दुनिया कब जाने। 25 साल से हम बोलते हैं हमारी नहीं मानी, दुनिया भर का समझाया, लेकिन लॉकडाउन में सारे खुल खुल के आ गए। पुकारो अपने साई को पुकारो, बैठे हैं हमारे बाबा जी की फरमाइश।
और बाबा जी की नहीं पता नहीं कितने लोगों की फरमाइश जिनके दिल की बात बाबा जी ने कह दी, और वो है एक राधा एक मीरा, कौन को सुनना चाहता है? ताली बजा दो मेरी, तो यही टीआरपी है। हाँ हाय हाय एक राधा एक मीरा, क्या बात है जी बाबा, बिल्कुल हकीकत है। मैं भावुक नहीं होता तो मैं कहीं और पहुंच जाता हूं जी। जी हाय 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 बेशक हकीकत है। हाँ हजरत महबूब इलाही का जो लकब है ना महबूब इलाही, महबूब सुभानी, हिंदुस्तान में कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनको महबूब का खिताब मिला है, महबूब रब सरकारे दो आलम, महबूब सुभानी, फिर महबूब इलाही। ये लव हर किसी को नहीं मिलता, और कलंदर भी हर किसी को नहीं मिलता। कलंदर भी 3.5 है, लोगों को वो पता भी नहीं होगा कलंदर का मायने क्या है। नाम रख लिया कलंदर, तो कलंदर रखने से नहीं होता, कलंदर के मायने बड़े ऊंचे हैं। आए आए हाँ बड़ा मामला है। जी 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 तो पेश कर रहा हूं एक राधा एक मीरा। ओ कन्हैया शकील भाई, अपनी मुरली की तान सुना दे के आज मुझे अंग लगा ले लगा ले। कन्हैया कहाँ चलेगा वो फनकार, कहाँ चलेगा वो लिखने वाले, सुनने वाले आज भी हैं, सुनाने वाले नहीं है तो क्या करें। आए हाय ओ कन्हैया अपनी मुरली की तान सुना दे के आज मुझे अंग लगा ले लगा ले। कन्हैया क्या कहते हैं कि एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में, अंतर क्या दोनों की चाह में, चाह में 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 बोलो एक अंतरिक्ष दोनों की चाह में बोलो।
संतोष नहीं जा पाते। जतन करे कि मेरा मोहन कहीं ना जाए। आए हाय क्या बात। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा ने मधुबन साईं के दरबार में काम आया। वो भजन क्या था? हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल बाबा दिल दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल बाबा दिल दिल। दर्द दिल हो मेरे साईं, दर्द दिल हो मेरे काना, दर्द दिल हो मेरे मोहन, दर्द दिल हो मेरे काना, दर्द दिल
की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए। मैंने ये सुन के लिखा क्यों, हो राधा ने मधुबनी में श्रद्धा से पाना है, तो मीरा ने क्या करा, एक मोर पंख डाल दिया। जैसे तराजू में डाला तो कन्हैया जी फौरन ऊपर आ गए, कहने लगे मुझे भाव चाहिए, मुझे मेरा भाव नहीं चाहिए। आए क्या बात है, ये है मामला कन्हैया का। मीरा के प्रभु Oh.
कहते हैं सी पीड़ा वही बन गई मीरा। मीरा बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए। हाँ मीरा के राधा के प्रभु गिर धरे नागर मीरा के मनमोहन राधा के प्रभु गिर धरे नागर मीरा के एक जीत न मानी एक हार न मानी एक जीत न मानी एक हार और क्या कहा बना ले मुझको भी दास बना ले मुझको
अपनी बंसी में छुपा ले, अपनी बंसी में छुपा ले, रुक जा बंसी बोले ऐसे राज हैं जो इन्हीं में बसते हैं। बहुत से लोगों को देखा कि YouTube पे देखते हो हंसते मजाक उड़ाते, उनको पता नहीं कैफियत में और नाम खुमारी का मतलब क्या है। नाचना अलग बात है और उसकी मोहब्बत में नचाना अलग बात है। क्या बात है यार, कहते ना बुल्ले शाह जी, तेरे इश्क ने नचैया अब एक एल्बम आया है उसी कंपोजिशन में है ना, बना दे अल्लाह, ये वही कंपोजिशन है कि हमें मालूम है ना। हाय हाय, हाँ जी, फरमाइश हमारे बाबा जी की। ये तकरीबन 22 साल पुराना सूफी भजन है शकील भाई, ये 22 साल पुराना सूफी भजन है, 22 साल। बहुत से तो कलाकार भी नहीं होंगे जो आज साईं जिंदे में गा रहे हैं। बोल साईंनाथ महाराज के, बोल साईंनाथ महाराज की जय। बहुत बहुत शुक्रिया।
क्वेश्चन दरअसल बहुत पुरानी है, पाकिस्तान की है और हिंदुस्तान में सबसे पहले मैंने गाई है। ये उस दौर की बात है जब मैं साईं बाबा से, हजरत साईं बाबा से मेरी मुलाकात हुई और जब मेरा रिश्ता बहुत दूर तक पहुंच गया तो मुझे सुरूर हो गया। लोग कहते हैं मैं साईं को मानता हूं, मेरा ये मानना है साईं को मानना बड़ी बात नहीं है, साईं की मानना बड़ी बात है। अक्सर लोग कहते हैं मैं अल्लाह को मानता हूं, अल्लाह को मानना बड़ी बात नहीं, अल्लाह की मानना बड़ी बात है। यही मैंने लोगों को समझाया। आज देखो जो अल्लाह की भगवान की नहीं मानते थे, आज वो अल्लाह भगवान किसी की नहीं मान रहा। ये फर्क है मानने में और मनमाने में। तो ये जो कलाम मैं आपको सुना रहा हूं, ये मैंने गाया था लोधी रोड मंदिर पे और हमारे बाबा जी ने मेरे पे हाथ रख दिया, अब तो बेड़ा पार हो गया। मैं चाहूंगा बाबा जी के लिए जोरदार ताली बजाएं, मेरे बाबा तुम सब मेरे बाबा हो, तुम सब में मुझे साईं दिखता है, हकीकत बता रहा हूं। बहुत बहुत मेहरबानी, खुश रहें। पब्लिक इकट्ठी करने से संदेह नहीं होती, भाव देने से संदेह होती है। पब्लिक तो वहां भी इकट्ठे हो जाती है जहां तमाशा होता है, हाय हाय, और जहां कम पब्लिक होती है वहीं इबादत होती है। आए हाय हाय, क्या बात है। बहुत पब्लिक देखी है हम सर यात्रा, लाखों में, हजारों में नहीं, लाखों में पब्लिक। कोई लाल गुलाबी करदा है, कोई रंग सावा, कोई रंग पीला, कोई लाल गुलाबी करदा है, कोई रंग सा गुलाबी करदाए और बुले शारग मुर्शद वाला किसे किसे नू चढ़दाए। बाबा जी ने मेरे सर पे इतना बड़ा, मैं क्या बोलूं, इन्होंने कान में मुझसे कुछ कह दिया, अब बड़ी लाज रखनी पड़ेगी उस बात की। कॉल का मतलब होता है या तो किसी का हो जाए, किसी को अपना कर ले, लफ्ज कॉल। वादे से मुकरना मत, अगर एक गुरु बना लिया तो एक ही बना, दर बनाएगा तो एक गुरु कभी नहीं रहेगा, न जाने तेरा गुरु कब बदल जाए। और गुरु बदला तो समझ ले तू कहां से कहां पहुंच जाएगा, समझ में नहीं पाएगा। गुरु रोज नहीं बदलते, एक बना ले क्योंकि वो एक ही तुझे अनेक तक पहुंचा देगा, और रोज गुरु बनाएगा तो एक का भी नहीं रहेगा। बोल साईनाथ महाराज की। बाबा जी ने एक जिम्मेदारी दी है मेरे सर पे इतनी बड़ी, और मैं आपको बता दूं बाबा जी मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि लाडी शाह मुराद शाह जी सरकार में भी मुझे, आज पहली बार बता रहा हूं कि मुझे लाइफ टाइम की पगड़ी बांधी गई है कि जब तक वहां मेला होता रहेगा हम सरायत गाता रहेगा। ये मुझे वहां पगड़ी बांधी गई, ये दुआ की बात है। जी बिल्कुल, मैं नहीं करूंगा, मेरा परिवार का हर बच्चा बच्चा करेगा, ये मेरा वादा है। वो अलग बात है, माने ना माने उसकी मर्जी। हाँ जी, ऊंचियां लंबियां
ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਕਹੀਂ ਸੁਰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਿਭਾ ਲੈਣਾ ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇ ਥਕਾ ਹੁਆ ਆਇਆ ਹੂੰ ਅਬ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜੈਸੇ ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਆਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਸੇ ਨਿਕਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਿਸੇ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਚਲਾ ਨਾ ਪਤਾ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਂ ਸੋਚੋ ਉਸ ਮਾਂ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜੋ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਤਕਲੀਫ ਸਹਿਤੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਿਸੇ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਆਏ ਹਾਏ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਖਜੂਰਾਂ ਯਾਰ ਪਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸਾਵੇ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਸਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ ਬੇ ਨਗਰੀ ਬਸੇ ਭਗਤੋ ਨਗਰੀ ਬਸੇ ਸ਼ਾਲਾ ਨਗਰੀ ਬਸੇ ਸ਼ਾਲਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ਦਾ ਡੇਰਾ वही दीवान की दोबारा कौन को चाहता है तो क्या कहेंगे आ जावे आ जा अरे आ जावे आ जा ओ मेरे सोने साईं सभी फनकार प्रोग्राम कर रहे थे मैं घर में बैठा था तो मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो भेज रहे हैं दिखाने के लिए कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं मैंने कहा वो प्रोग्राम नहीं कर रहे वो आजमाइश कर रहे हैं किसकी लेकिन अगर जिस दिन वो आजमाइश पे आ गया सारी आजमाइशें खत्म हो जाएंगी क्या बात आ जा वे आ जा अरे आ जा वे आ जा हो मेरे सोने बाबा जैसे बाबा ने कहा कि महक आ रही है महक आ नहीं रही महक फैल रही है और मौजूद है यहाँ पर साई जो यकीन करता है हाथ ऊपर करे यकीन का सौदा है दोनों हाथ ऊपर के आ जा वे आ जा ओ मेरे सोने साई आ जा
भी होते हैं। आज वक्त मिला है हमारे शकील सेफी साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके लिए। शकील भाई 2 मिनट नजर आए जी, जी हाँ जी, भाभी हमारी भाभी भी हमारी माँ भी हैं। बड़े मुश्किल काम करा रहे हो, लड़ाई करनी पड़ेगी उससे, और लड़ाई वही होती है जहां हक होता है, क्योंकि भाई से हिस्सा मांगा जाता है, बाप से हक मांगा जाता है। तो कौन कौन मांगना चाहता है माई बाप से? अरे आजावे आजा, अरे आजावे आजा, हो मेरे सोने साईं। सॉरी मैंने, बैठ जाओ आप सारे खड़े हो गए। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी सबसे पहले बड़ी बात कि मेरे शकील भाई आएंगे। ये बॉम्बे थे लेकिन एक आवाज भाई ने बोला मैं आऊंगा। दूसरी बात, उस रात मैं मिलने गया था गुफ्तगू करने के, चल 10-5 मिनट की गुफ्तगू होगी, वो गुफ्तगू लंबी हुई कि सुबह हो गई। जब दो यार बैठते हैं ना, जब सूफानी है, सूफियानी, एक होते हैं दारू वाले, उनकी तो फिर पड़ जाते हैं, लेकिन हम पड़े नहीं, हम लंबे चलते हैं। तो मैंने हमसर भाई से कहा, हमसर भाई मेरा परिवार बिखर गया। मेरा क्या? साईं का परिवार बिखर गया था, हमसर भाई का परिवार बिखर गया, आप सब परिवार हो, ये लॉकडाउन ने बहुत कुछ बिखेर दिया। तो मैंने हमसर भाई को बोला, मैं कहा भाई यार छोटी सी जगह में कर लेंगे। तो हमसर भाई बोले कि जो गुलाब के फूल होते हैं और एक तोड़ के सरकार पे चढ़ाए जाते हैं ना, जब वो खिल जाए ना तो बड़ी मुश्किल होती है। जिस दिन हम महफिल करेंगे ना, वहां पहुंचेंगे तो पता लगेगा। तो आज वो गुलाब के फूल खिल गए। और ये सबसे बड़ा आपका इसमें हाथ है, ये जितने भी लोग बैठे हैं ये प्यासे नहीं है, इनके पास इतना अमृत है, इतना अमृत है, बस उसको देखने के लिए तरस रहे थे। ये सब अमृत वाले लोग बैठे हैं। ये मेरा साईं परिवार वो है जिन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मुझसे इन्होंने भी बहुत कुछ पाया है, है कि नहीं? अगर पाया है तो दोनों हाथ ऊपर। आ जावे आ जा, ओ मेरे सोने बाबा। और हमारे शकील भाई के बारे में बाबा जी ने जो कहा वो तो है ही, लेकिन ये मामूली हस्ती नहीं है। हिंदुस्तान ही नहीं, जितने भी वर्ल्ड के बड़े से बड़े सेलिब्रिटी हैं, इनकी एक आवाज पे इनके फार्म हाउस पे मौजूद होते हैं, जिसमें एक मैं भी। लेकिन ये किसी की एक आवाज पे आ जाए तो इसका मतलब ये है कि इन्हें मोहब्बत का सलीका आता है। शकील भाई के लिए जोरदार ताली है, क्या बात है? अरे आजा रे आजा, ओ मेरे सोने कल्ली बैके साई तो चोरी चोरी, रोबा कल्ली बैके साई तो चोरी चोरी, रोबा कल्ली बैके साई तो चोरी चोरी, रोबा कल्ली बैके साई तो चोरी चोरी। तू छेती छेती आ जा साई, तू छेती छेती, तू छेती छेती, तू छेती छेती आ जा साई, तू छेती छेती आ जा साई, तू छेती छेती आ जा साई।
भूल गया कहीं ऐसा तो नहीं डुप्लीकेट के साथ रखा असली को भूल गया तू छेती छेती तू छेती छेती तू छेती छेती तू छेती छेती वो दिल नहीं लगता मेरा हाँ जी मनचंदा जी सोना अच्छा सोने के भी दो मायने हैं एक सोना एक सोना एक सोना जिसमें खोट होती है एक सोना जिसमें खोट होती है एक सोना जिसमें रब की सपोर्ट होती है हाय हाय वो सोना जो खोट से मिलके बन जाता है वो सोना जो खोट से मिलके बन जाता है और वो सोना जो खोटा होके भी खरा हो जाता है सोने के भी मायने हैं बाजार में सोना खरीदना बहुत आसान है लेकिन किसी की याद में सोना बड़ा मुश्किल काम है आए के सोना लेने आए अनगिनत भजन बाबा वाले दीवाना तरह आया जोगिया नचने दे अनगिनत गिन भी नहीं सकते आप हाँ आजकल का किसी का कोई गाना गा देना तो वो यूट्यूब पर डाल देता देखो उन्होंने मेरा गाना गाया बड़ी बात नहीं है आए जितने भी लोग बैठे हैं ये शेर सुनिएगा जे मेरा साई आवे जे मेरा साई आवे मैं अपनी है। लोग कहते थे मैं अपनी पलका बिछावा तो मैंने कहा पलका अगर मैं बिछा दूंगी तो पैरों में चुभ जाएंगे पैरों में चुभ जाएंगे पैरों में चुभ जाएंगे पलका अगर मैं बिछा दूंगी तो पैरों में चुभ जाएंगे पैरों में चुभ जाएंगे पैरों में चुभ जाएंगे क्यों ना अपनी आंखें बिछा दूं तलवे नजर तो आएंगे तेरे मेरा साई आवे मैं अपनी अखा बिछावा मेरा साई आवे मैं अपनी अखा बिछावा ये मेरे घर होवे चादर ये मेरे घर होवे चादर होवे दूर अंधेरा साई दे दर्शन पावा साई दे
दे दर्शन पावा शिरडी जावा ते वेखा शिरडी जावा ते वेखा ओ मुखड़ा साई तेरा शिरडी और फरमाइश जी जी हाँ बिल्कुल जी जी मैं मिला ना मिला हाँ मेरी बहन मिला हमारी भांजी है जी बेटा अच्छा बेटा मैं अब बच्ची की बात कैसे डालूं हमारे सभी की फरमाइश है भारत का बच्चा बच्चा नगोदर का बच्चा बच्चा कौन कौन सुनना चाहता है और साई जी देखिए कर्म देखिए कि लोग टीजर बनवा के बड़े बड़े सेलिब्रिटियों से सोचते कि हमारा गाना चल जाएगा मेरा यह मानना है कि जिस दिन उसकी नजर में आएगा हमें चल जाएगा वरना किसी से भी बनवा ले कुछ नहीं होना अभी एक गाना आया है इतना खूबसूरत गाना है उसके एक एक शब्द को समझने के मायने हैं मैं बहुत कम सुनता हूं तितली यार मेरा तितलियां वर्गा उसके बोल समझने की बात है उसको आप वहां मत ले जाओ उसको आप ले जाओ उन लोगों के लिए जो रोज गुरु बदलते हैं यार मेरा तितलियां वर्गा कदी थे क्या है वो लफ्ज कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है थकार के उसी हाँ कभी फिर थक के उसी डाली पे आता है जहां से जाता है तो ये मायने हैं उसके तो यार मेरा वफा करता है क्या है वो हाँ तो हर किसी से वफा करता है अरे वो बता दूं वफा का मायने ही बड़े ऊंचे हैं क्योंकि जब तक जफा नहीं करेगा वफादार हो नहीं सकता आए है जफा वफा का पहला सबक ही जफा है आए है क्योंकि अल्लाह गवाह है सबका भगवान ईश्वर गवाह है हाँ जी पेश कर रहा हूं जी बाबा जी इसके बाद जी मैंने हमसर भाई के बारे में मुझे नहीं पता मैं क्योंकि मैं इतना जानता हूँ बस भाई है बात खत्म मुझे इससे गुरु पीर का रिश्ता एक अलग है पर हम भाई बहन तो मुझे पता लगा तितलियों की जहाँ तक बात है मैं पंजाबी समझा देना उन्होंने सारे समझ आ दूंगा कि बहुते यार बनाने वाली है दिल नु रख समझा के ये मान साहब ने गाया था बहुते यार बनाने वाली बहुते यानी ज्यादा बहुते यार बनाने वाली है दिल नु रख समझा के कीदा कीदा मान रखेंगी गल विच पल्ले पा के एक दी बन जा एक दी हो जा एक नु गल ना ला के बहुते यार बनाने वाली है दिल नु रख समझा के ते तितलियां दा मतलब है कि मेरा यार तितली वाला इहदे दो अर्थ ने ओ दो दस देना पहला के इत्थे हमसर भाई सिंगर नहीं ए मेरा गुरु भाई है और सब तो वड्डी गल है कि साडा रिश्ता निजामुद्दीन औलिया तो जुड़िया बाद च लाडी साईं जी दे ठीक है सो दो मायने एक तितलियां वाला और एक दूसरा हुण ओहदा दोनों दा मतलब दस देना पहला कि जिन्हें भी सिंगर है मैं नहीं किसी तो मेरी किसी ने कोई दुश्मनी नहीं हो सकती क्योंकि फकीर तो करते ही नहीं ठीक है असी किसी भी जगह पर जाने उत्थे गाने जाके असी किसी भी साईं संत नूं फकीर नूं असी कह लैंदे भाई जय जयकार वो कई बार असी हवा दे विच किसी नूं भी चक दिंदे उन्हों फकीरी का मायना नहीं पता होंदा उन्हों हवा चक दिंदे वो बाबा बन जाता मुड़ के जो थले लगता है क्योंकि मैं बंदा कि जिन्नी उच्ची जाता ना बंदा जो थले डिगदा ना तो बड़ी मुसीबत हो जाती जे इतों डिग गया तो छोटी सुट लगी उपरों डिग चुकना बार है हुण आंदा दूसरा मतलब कि मेरा यार तितलियां वर्गा तो हुण तुहानूं दसा पिंड वसदा भला जोगी तुरदे भले फकीर एक जगह ते कदे नहीं टिकदा मेरे लाडी साईं जी तुसीं किसे भी वीडियो च देख लो मैं साईं जी दे बहुत कुत्ता उहनां दा दीदार कीते साईं जी नूं तुसीं किसे भी वीडियो च देख लो साईं जी टिकदे ही कोई नहीं साईं जी रुके नहीं आप चलदे चलदे रहे और जिस दिन मेरा लाडी साईं रुक जाएगा ना उस दिन धरती रुक जाएगी सच्चाई है बिल्कुल सच्चाई है ये बिल्कुल सही है और मैं स्टेज के माध्यम से बस यही कहना चाहूंगा कि दुनिया से पंगे ले लेना पंजाबी गल है पंगे ले लेना पाजी लेकिन कभी फकीर से पंगे ना लेना
क्योंकि जिस दिन फकीर से पंगे ले लिए उस दिन बस समझ लो क्या हो जाएगा, बड़े बड़े निमट गए, फकीर का मामला बड़ा ऊंचा है। हाँ जी, तो पेश कर रहा हूँ। हाँ जी, भारत का बच्चा बच्चा कौन को सुनना चाहता है? नगोत्र का बच्चा बच्चा। हाय हाय, हाँ भाई आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, सभी आ जाओ। कौन कौन नाचेगा? दरबार में हाथी लगाएगा, हाथ ऊपर। अपनी जाती कंपोज है। हाँ, नगोदर का बच्चा बच्चा, नगोदर का बच्चा बच्चा, ओ लड़ी साई के टुकड़ों पे बनता है। नगोदर का बच्चा बच्चा, ओ लड़ी साई के टुकड़ों पे बनता है। और जिस पे भी एक नजर डाली, जिस पे भी एक नजर डाली, जिस पे भी एक का बच्चा बच्चा होला डिजाइन टुकड़ों पे में मेरी कचरा है, आंखों में मेरी कचरा है, बालों में पायल, बालों में कचरा, आंखों में मेरी कचरा है, आंखों में मेरी कचरा है। का बच्चा बच्चा, नगोदर का बच्चा बच्चा, ये कर्म देखे गरीब नवाज का, साईं का, उस भगवान का, कि कंपोज मेरा गाया मैंने लेकिन फायदा दूसरे उठा रहे हैं, इससे बड़ी दुआ क्या होगी। मेरे चैनल पे इतने सब्सक्राइब नहीं है जितने उनके चैनल पे हैं जिन्होंने मेरा वर्जन गाया। नगोदर का, नगोदर का बच्चा बच्चा, लाड़ी साईं के टुकड़ों पे।
हाजिरी देना चाहता हूँ। और ये मेरा वादा है कि नगोदर मेले में ये गाना, क्योंकि हर साल मैं कुछ ना कुछ नया गाता हूँ, नया गाता हूँ, इस साल भी जब मैं नगोदर जाऊंगा तो एक नया कलाम लेके जा रहा हूँ, उसका बोल सुना देता हूँ, जो लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठा करें। हाय क्या हाय हाय क्या बात है, कितनी लगा ले तू अरजी, कितनी लगा ले तू अरजी, हाथ ऊपर, कितनी कितनी अरे कितनी, किसकी सपोर्ट लगा ले, जब तक साईं की मर्जी नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता, कितनी लगा ले तू अरजी, कितनी लगा ले तू अरजी, कितनी लगा ले तू अरजी, चलेगी साईं की मर्जी, जिसने भी साईं को पुकारा, जिसने भी साईं को पुकारा, उसने दिया है सबको सहारा, उसने दिया है सबको सहारा, आए है नहीं चलती खुद गर्दी, नहीं चलती खुद गर्दी, नहीं चलती खुद गर्दी, चलेगी साईं की मर्जी, झुकता है, दर पे जो भी झुकता है उसको साईं मिलता है, उसको साईं मिलता है, दोनों तो करेंगे आए हाय, अरे सबको एक समझते हैं, सबको एक समझते हैं, नहीं देते किसी को तरजी, कितनी लगा ले तू अरजी, ओ कितनी जाना चाहते हैं, नया साल मनाना चाहते हैं हाथ उठा करें।
सिर्फ मन में सोच लो शिरडी जाना है तो जाना है। कौन कौन जाना चाहता है? आए हाय क्या बात है। दीवाना तेरा आया, दीवाना तेरा आया, बाबा तेरी शिरडी में। तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में। हाँ जी क्या बात है, आओ आकर्षित। Oh,
ਪਿਆਰ ਵਸਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾ ਬੋਲ ਹਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵਸਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ ਬੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵਸਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾ ਬੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੋ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੀ तेरी रहे मतों का जनिया हाजी ख्वाजा तेरे करम से मैं चाहूंगा कोई नाचे नहीं सिर्फ मेरे गरीब नवाज के लिए खड़े हो जाए बाबा जी सबको खड़ा कर दे गरीब नवाज के लिए सारे लोग आ जाए नाचना नहीं है सिर्फ गुजारिश करनी है उस मालिक परमात्मा ईश्वर से ख्वाजा तेरे करम से जमाने में बाकी है ख्वाजा तेरे करम से जमाने में बाकी है ये गरीब नवाज ख्वाजा जी ख्वाजा तेरे करम से जमाने में बाकी है हम सबको नाज है कि तू बंदा नवाज है तेरी रहे हतों का दरिया तेरी रहे हतों का दरिया तेरी रहे हतों का दरिया सरे आम चल रहा है तेरी रहे हतों का दरिया सरे आम चल रहा है पंडित साईं बाबा जी से गुजारिश करूंगा कि मुझे गरीब नवाज का सदका मेरी झोली में इस कलाम पे लूंगा मैं वो दीजिएगा जो वहां तक काम आए शकील भाई ये तो पंजतन है आए हाय जो मेरे यहां भी काम आएगा वहां भी काम आए हाँ जी मैं वो चीज मांग रहा हूं जो फकीर जब देता है ना किसी का बाप नहीं रोक सकता नहीं। तेरी रहमतों का दरिया रहमतों का दरिया तेरी रहमतों का दरिया तेरी रहमतों का दरिया ओ सरे आम चल रहा है तेरी रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा है तेरी रहमतों का दरिया कुछ और मांगना मेरे मशरब में कुफ्र है कुछ और मांगना मेरे मशरब में कुफ्र है
तो मिठाई मैं खिलाऊंगा आपको, आपसे मेरा वादा है ना, मेरा आपसे वादा है। कुछ बातें पर्दे में रहे तो बेहतर है, क्योंकि उसने वादा किया है देने का, और ये मेरा वादा है आपसे, आने वाले अगले साल में आप वो नगीना, ये आपने मुझे नौ रत्न दिए हैं, वो एक रत्न आपको नौ रत्न में तब्दील कर देगा, आपके घर में इंशाल्लाह आएगा साईं की तरफ से। जो लोग चाहते आए हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ ऊपर, 1 2 3 4। हाँ जी, जो तुमने मुझसे मांगा, जो तुमने उससे मांगा वो ही नहीं, उसके ही तवसुल से हर इंसान पल रहा है, तवसुल से हर इंसान पल रहा है। हाँ, उसे क्या मिटाए दुनिया, अरे उसे क्या मिटाए दुनिया। बाबा जी, इन्होंने मुझे फूल दिए हैं, अभी गुलाब का जिक्र किया था आपने, ये स्क्रिप्टिंग नहीं हो रहा है, ये उसकी तरफ से स्क्रिप्ट बन रही है। ये जो फूल हैं, आप यकीन करें, बहुत देर से मैं सोच रहा था कि मेरे हाथ में कोई ऐसी चीज आए जो आपकी पत्नी को दी जाए, हमारी भाभी को। देखिए आ गई, ये फूल बड़ी हिफाजत से रखेगा सरकार के कदमों में, और इंशाल्लाह ये मेरा वादा है, उस सरकार ने चाहा, साईं ने, उस परवरदिगार ने, उस मोहन ने, कि ये फूल तुम्हारे घर में जब महकने आएगा, तो ये मेरा वादा है कि हम सार हयात उस गुलदस्ते में डोर बन के जरूर आएगा, ये मेरा वादा है। हाँ जी, ये जो तौबा है, लाइव लाइव आएंगे, इस गाने का मजा सैम्पलर में नहीं आता। हाँ जी, क्योंकि सैम्पलर ऐप छुपाता है और बाजा और तबला ऐप बताता है, पता चल जाता है कि कौन सुर में आता है, कौन सुर में गाता है। हाँ जी, ये हर किसी के बस का काम नहीं है, इसके लिए बड़ा इल्म चाहिए। हाँ जी, मैं चाहूंगा दोनों ऊपर आ जाओ, आप भी आओ इधर, आप दोनों आ जाओ, आप भी आ जाओ बाबा, आप लोग बैठिए, तशरीफ रखें प्लीज, आप लोग बैठ जाए। शकील भाई आप भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ।
मेरा बस चले मैं सबको बिठा लूं, लेकिन न जाने किसका काम होने वाला है, मुझे नहीं पता भाई, मैं तो पागल हूं। इस लॉकडाउन ने बड़े बड़े फनकार छीन लिए, ऐसे ऐसे फनकार चले गए जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते थे हम। अभी हाल ही में हमारे बीच दिल्ली में बहुत अच्छे उस्ताद चले गए, एक आगरे घराने के उस्ताद थे वो चले गए, एक दिल्ली घराने के उस्ताद थे वो चले गए, और मेरे भाई बंधु मेरे मदर भाई अतर भाई ताहिर भाई मेरे साहबजादे मेरी पूरी टीम, मेरे पास जो कुछ भी है सच बता रहा हूं मैं आपको, ये सब इन लोगों की दुआओं का इनकी मेहनत का सदका है। मैं चाहूंगा मेरी पूरी टीम के लिए जोरदार ताली बजाएं, और ये कलाम के लिए मैं गुजारिश करूंगा बड़े अदब के साथ मेरे छोटे भाई अतर हयात निजामी साहब से, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही ये कलाम नुसरत खान साहब का गाया। जोरदार ताली अतर भाई के लिए मेरी तौबा। हाँ जी, और मेरा बेटा और ताहिर भाई मदर भाई, हाँ माइक ले लो, तो भाई ले लो माइक चाहिए। हेलो, बैठो बाबा बैठिए, सब बैठ जाओ बाबा। चूंकि अभी जो पीछे वक्त गुजरा है ये उस वक्त से रिलेटेड है, क्योंकि वो वक्त अल्लाह ताला ने क्यों दिखाया था, उसकी वजह यह है कि तौबा कर लीजिए, अपने गुनाहों से तौबा कर लो, क्योंकि अगर अब भी नहीं की तो इससे ज्यादा भी बुरा वक्त आ सकता है। अतर भाई आपकी बात काट रहा हूं, माफी चाहूंगा। आपको याद होगा कई प्रोग्रामों मैंने देखा, माइंड मत करना, कई प्रोग्रामों मैंने लोगों से कहा, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया और बहुत सारी बातें की, लेकिन वो समझे नहीं, क्योंकि कभी भी मैं स्क्रिप्टेड गाना नहीं गाता, आपने देखा होगा मैं किताब भी नहीं देखता, अल्लाह के फजल से माता रानी के आशीर्वाद से साईं के करम से भोग नहीं करूं, पूरी रात मुझे गवाया मैं किताब नहीं देखूंगा, देखूंगा ही नहीं। मेरे गुरु ने कहा था बेटा किताब में तो दीमक लग जाती है लेकिन इल्म में दीमक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन इल्म में दीमक लग गई उस दिन किताब भी काम नहीं आएगी। तो ये इल्म है शकील भाई, सुनने की बात है, अक्सर प्रोग्राम में बहुत सारे लड़के लड़के आते थे जवान, और वो क्या करते थे मेरे साथ फोटो खिंचवाते थे और वो बनाते थे, क्या याद है बनाते थे कि नहीं बनाते थे, गलत कह रहा हूं मैं, यूं मुंह को यूं करते थे, तो मैं उनको समझाता था, मैंने कहा बाबू इतना ऊपर वाले को मुंह मत छुड़ाओ वरना ऐसा ना हो रहा है मुंह छुपाना पड़ जाए। क्या बात है, कहा था कि नहीं कहा था, आज सब लोग वही मुंह छुपा के फिर रहे हैं, चेहरे पे मास्क लगा दिया उसने कि मुंह छुड़ा रहा है मुझे, अरे शुक्र अदा कर मैंने तुझे आंख नाक कान सब बेहतरीन दिया है, उनके दिल से पूछ जिनकी आंख नहीं होती, उनके दिल से पूछ जिनकी नाक नहीं होती, उनके दिल से पूछ जिनका रंग नहीं होता, उनके दिल से पूछ, और तू हसीन होके उसको मुंह छुड़ा रहा है जिसकी वजह से हसीन है, अगर वो बुरा मान गया पूरी हसीनत निकल जाएगी, सारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। बहुत समझाया, लोगों ने मजाक में लिया, ये उस बात का सबूत है कि अब भी समझ जाओ, अभी तो मुंह छुपाना पड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि चेहरा भी छुपाना भारी पड़ जाए, याद रखे इस बात को। हाँ जी, तू माफ करेगा कि तू माफ करेगा मेरे सारे गुनाह, मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा
नफरत को मिटाया जाए। उस्ताद का बहुत पुराना शेर है, मगर लॉकडाउन में मैंने इस पे कुछ कोशिश की है। इस तरह दुनिया से नफरत को मिटाया जाए, प्यार का एक नया कानून बनाया जाए, और बंद है अगर मंदिर और मस्जिद तो हम यूं कर लें। बंद है अगर मंदिर और मस्जिद तो हम यूं कर लें, किसी भूखे को चलो खाना खिलाया जाए। मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौब करेगा तौब करेगा तौब करेगा तौब करेगा मेरे सारे गुनाह। मेरी शकील भाई गलत तो नहीं, एक फरिश्ते को गुमान हो गया कि सबसे ज्यादा इबादत मैंने की है, मेरे आगे तो कोई होगा ही नहीं। अल्लाह ने कहा अगर मैं तुझे बना सकता हूं तो तुझे मिटा भी सकता हूं। एक गलती से शैतान बना दिया, कयामत तक पत्थर खाता रहे। हाय हाय हाँ, जब तक कबूल नहीं होता जब तक कंकर नहीं मारा जाता। जनाब एक बात याद रखें, अगर वो चाहे तो फरिश्ते को शैतान बना दे और चाहे तो शैतान को फरिश्ता बना दे, कोई गुरूर ना करे, क्योंकि जब तक वो खामोश है तुझे होश है, जिस दिन वो बोलने में आ गया तेरा होश खो जाएगा। और जो इस बात को मानता है दोनों हाथों पर, जो हाथों पर नहीं करेगा उसे वाहे गुरु माता रानी साईनाथ गरीब नवाज, अल्लाह की कसम है दोनों हाथों पर। मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा। खता इबलीस की भी इब्ने आदम माफ हो जाती, खता इबलीस की भी इब्ने आदम माफ हो जाती, खता इबलीस की भी इब्ने आदम माफ हो जाती अगर एक बार कह देता उससे मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा। कुछ लोग तो अपनी इबादत में लगे थे, तौबा में लगे हुए थे, माफिया मांगने में लगे हुए थे, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसी में लगे हुए थे, जो उनका काम है। तो उनके लिए कहना है कि कुछ लोग जिस्म से नहीं जहन से बीमार है, ये भी मेरा ही लिखा हुआ है कि कुछ लोग जिस्म से नहीं जहन से बीमार हैं, पता है मुझको सभी आजकल बेकार हैं। कुछ लोग जिस्म से नहीं जहन से बीमार हैं, पता है मुझको सभी आजकल बेकार हैं, कि इस बुरे दौर में भी बुराई का काम ढूंढ लिया, इस बुरे दौर में भी बुराई का काम ढूंढ लिया, कसूर उसका नहीं यही उसके संस्कार है। मेरी तौबा 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 कौन है खट्टा कौन है कड़वा ये नीम बताएगा, और कौन है रब का सच्चा बंदा ये मीम बताएगा। कौन है कड़वा बताएगा, कौन है रब का
मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा ये दुनिया, ये दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती। डॉक्टर नवाज देवबंदी फरमाते हैं कि ये दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, मगर ये डॉक्टर नवाज देवबंदी का मगर ये शेर ने अपने ऊपर करा, ये हमारे ऊपर ही है। उन्होंने शायद हमें सोच के ही कहा था कि ये दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती, और देने को तो दे सकता था मैं भी उसे गाली, लेकिन मेरी तालीम इजाजत नहीं देती। मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा। उसको खबर है, उसको खबर है, सबका ही आखिरी सफर है, सबको खबर है कि सबका आखिरी सफर है, ये गलती उसकी नहीं, तुखम ताजी सोबत का असर है। मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा। मैं क्यों ना सवाल करूं, तू रहीम है तू करीम है, तू रहीम है तू करीम है, तू रहीम है तू करीम है। मैं क्यों ना सवाल करूं, तू रहीम किंग पापा जी, पापा जी समझ गए ना, इतने से इतने बड़े हो गए हम उनको सुनते सुनते, इतने से और कब से सुन रहे हैं। बेशक मंदिर मस्जिद टा दे बुल्ले शाह ये कहना, बेशक मंदर मस्जिद टा दे बुल्ले शाह ये कहना, बेशक मंदर मस्जिद टा दे बुल्ले शाह ये कहना, कदी न तोड़ो इस दिल में रब रहंदा। और क्या कह रहे हैं, मैं नहीं बोलना जा, मैं नहीं बोलना जा, ओ मैं नहीं बोलना जा, मैं नहीं बोलना जा, ओ मैं नहीं बोलना, मैं नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं बोलना, तौबा मेरी मैं नहीं बोलना, मैं नहीं बोलना, तौबा मेरी मैं नहीं बोलना, मैं नहीं बोलना। और फिर क्या करें, मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा। जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि समय कम है, सिर्फ जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा,
कि नदी के पास में घर है, नदी के पास में घर है, गमों का पाला है। नदी के पास में घर है, गमों से पाला है, और पता चला है कि सैलाब आने वाला है। नदी के पास में घर है, गमों से पाला है, पता चला है कि सैलाब आने वाला है। कोई बला मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, कोई बला मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरी माँ ने बलाओं में मुझे पाला है। मेरी तो तौबा तौबा जी जी, जिनको इज्जत दी उन्होंने ही दिल दुखाया है, जिनको इज्जत दी उन्होंने ही दिल दुखाया है, मेरी माँ की दुआओं ने मुझे मुसीबत से बचाया है। कि सफर में दिक्कतें आए तो जरूरत और बढ़ती है, सफर में दिक्कतें आए तो जरूरत और बढ़ती है, और कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, अगर बिकने पे आ जाओ शकील भाई, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा खता 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 रावण की भी लंका में जाके माफ हो जाती, खता रावण की भी लंका में जाके माफ हो जाती। रावण को कोई पैदा नहीं हुआ था मार सके, लेकिन रावण ने ये वादा किया था कि जब भी मेरा वध होगा तो किसी अच्छे हाथों से होगा कि उसके नाम के साथ में मेरा नाम आया। आए आए हाँ जी, जय श्री राम, है ना। तो याद रखें, रामलीला भी पूरी नहीं होती अगर रावण ना हो उसमें, है कि नहीं, है कि नहीं। भले तुम रावण की कितनी बुराई करो लेकिन श्री राम के साथ ही नाम आता है रावण का। आए आए क्या बात है। हाँ, खता रावण की भी, खता रावण की भी, खता रावण की भी लंका में रह के माफ हो जाती, अगर वो राम मुझसे कह देता मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा 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 मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा। मैंने किसी ने पूछा बाबा कि सब बड़े बड़े नाम रखते हैं, किसी ने अपना नाम रावण रखा है, कहले हम क्यों रखे रावण, कहले हम क्यों रखे रावण नाम। मैंने कहा क्यों, बुराई क्या है, कहले भाई हम नहीं रखते। मैंने कहा भाई तुम्हें ये नहीं पता है कि रावण ही ऐसा भाई है जिसने अपनी बहन के लिए पूरी लंका में आग लगवा दी। हाय हाय हाय, ओ मेरी तो वाह मेरी तो वाह मेरी तो वाह तो वाह मेरी तो वाह तो वाह वाह तो वाह तो वाह। शुक्रिया। और बाबा जी की फरमाइश है, रब्बा किसी की माना भरे, कौन को सुनना चाहता है ये सुना दूं। अच्छा भाई इनकी फरमाइश ये सुना दो किसी के हिस्से में। नहीं नहीं ब्रो, अरे वो तो रहेगी, कमाल है। माँ मैं ये तो कह रहा हूँ कि माँ हमेशा सलामत रहे। और एक बार बता दूं, इस दौर में जितने भी नौजवान हैं, आने वाले वक्त में भी समझा रहा हूँ कि अपने वक्त को अगर अच्छा करना चाहते हो तो अगर तुम्हारे घर में माँ जिंदा है तो उसकी खिदमत करते रहो, साईं की कसम तुम पे आफत नहीं आ सकती, ये मेरा वादा है आपसे, यकीन करें। सिर्फ माँ की खिदमत करते रहो अगर माँ जिंदा है, और अगर नहीं है तो वो भी याद रखें कि हर लम्हे पे माँ बाप को याद रखो, न जाने उनकी दुआएं कहाँ काम आ जाए।
तो हमारे शकील भाई कुछ कहना चाहेंगे उसके बाद ये मिश्रा। मैं हमसर भाई आया तो मैं 10 मिनट के लिए था, लेकिन आपकी आवाज ने और उस अल्लाह पाक परवरदिगार ने साईं बाबा के दरबार ने मुझे यहाँ रोक लिया, क्योंकि मैं आप जानते हैं कि कोई भी स्टार, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो बड़े बड़े सिंगर हो, दिलेर मेहंदी हो, मिक्का हो, और जी अदनान स्वामी हो, मैं नाम लूँगा तो पूरा टाइम निकल जाएगा। मैंने उन्हें लाइव सुना है और अपनी पिक्चर में, डर्टी पिक्चर में मैंने जो है गाना भी दिया है, काफ़ी पिक्चरों में मैंने उन्हें दिया है, काम भी दिया है। लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो आवाज़ मैंने आपकी सुनी है, मैं आपका बहुत पहले दीवाना तो था ही, लेकिन आज बहुत बड़ा दीवाना हो गया हूँ, और इंशाल्लाह हम मिल करके बहुत जल्दी फिल्मों में भी काम करेंगे। और आपका एक गाना मैं गुजारिश करूँगा जो आपने मेरे घर पर मुझे सुनाया था, वो मैं अक्सर आपकी रिकॉर्डिंग सुना करता हूँ, तो 4 लाइनें उस गाने की जरूर हो जाए मेरे लिए, क्योंकि मैं आपके लिए बैठा हूँ, चाहे पूरी रात आप गाओ, मैं पूरी रात बैठा रहूँ, आपका दीवाना हो चुका हूँ। ये शकील भाई का प्यार है सैफी साहब का, तो इनकी जो 2 लाइनें हैं वो 2 लाइनें ही बड़ी कातिल हैं जो इनको मैंने सुनाई थी, और वो आप भी जानते हैं वो 2 लाइनें कौन सी हैं, पता ही नहीं पता। गरीब होना कोई गुना तो नहीं है, गरीब होना कोई गुना तो नहीं है। मेरा बेटा बड़ी मेहनत से गा रहा है क्योंकि अभी इसका कच्चा गला है, बड़ी मुश्किल से गा रहा है क्योंकि मुझे मालूम है बिना साउंड के कैसा गाते हैं, मुझे पता है, तो मैं चाहूंगा जोरदार तानी मेरे बच्चे के लिए बजा दें, क्योंकि मैं ज्यादा चिखवाना नहीं चाहता इसे, क्योंकि आगे इसको बहुत काम करना है, समझे आप। गरीब होना कोई गुना तो नहीं है, मेरे साईं के सिवा किसी ने दर्द सुना तो नहीं है। रेडी 1 2 3 4 बच्चे को कौन गले लगाता है जिस बच्चे की मां नहीं होती। एक मूवी आई थी जिसका नाम था मदर इंडिया, किस किसने देखी है मदर इंडिया? नौजवानों को पता भी नहीं होगा मदर इंडिया फिल्म कौन सी थी। मैं बहुत छोटा सा था, ये मूवी लगी थी लाजपत नगर में, पिक्चर हॉल था उस जमाने के, बहुत आराम, बहुत छोटा सा था, तो मेरे वालिद साहब मुझे ले गए, कहने लगे चल बेटा तुझे एक फिल्म दिखाता हूं। मैंने कहा कौन सी? कहने उस फिल्म का नाम है मदर इंडिया। आप यकीन माने जितनी बार मैंने नरगिस जी को देख के रोया हूं, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। उस मां की तड़प, उस मां की बेचैनी, वो सीन ये था कि उनका फादर जो होते हैं वो मर जाते हैं, और नरगिस जी अपने बच्चों के लिए खाना बना रही होती हैं, और बच्चे कहते हैं मां मां भूख लग रही है। माँ कहती है बेटा हाँ खाना पक रहा है। फिर बच्चे कहते हैं माँ भूख लग रही है, हाँ बेटा खाना पक रहा है। तो उसका खुलासा यह हुआ, जब बच्चे थक जाते हैं कहते माँ कह रही खाना पक रहा है, तो
जैसे बच्चे भगोना, उस जमाने में भगोना कहते थे, आजकल तो वैरायटी आ गई है बहुत सारी, जैसे बच्चे भगोना पे से वो हटाते हैं तो क्या देखते हैं, उसमें पत्थर उबल रहे थे। बजाते रहो। वो सीन देख के मेरी आंख में ऐसे आंसू आए कि जब भी वो सीन याद करता हूं मेरी पलकें भीग जाती हैं। तो उस मां ने ये कहा कि बेटा मेरा बस ना चले तो मैं अपना कलेजा काट के खिला दूं, लेकिन वो औलाद सबसे बदनसीब होती है जो मां बाप की करनी भूल जाती है। एक मां ही ऐसी होती है जो अपनी औलाद के लिए न जाने क्या क्या कर जाती है, और अगर वही औलाद मां को भूल जाए तो उसका भगवान भी राजी नहीं होता। और जो इस बात को मानता है दोनों हाथ पकड़ेंगे। आए हाय, मुझको तुम्हारी ये जुदाई मार डालेगी, मुझको तुम्हारी ये जुदाई मार डालेगी, नजरें ना फेरना तन्हाई मार डालेगी, मुझको तुम्हारी ये जुदाई मार डालेगी, सींच के दिया वो किसान भी परेशान है। आए आए, ना तू पंडित है ना तू खान है, ना तू पंडित है ना तू खान है, अरे जिसने हमारे घर में रिजक पहुंचाया तुझे पता है वो हमारा किसान है। आए आए, क्या बात है। आज किसान किस तकलीफ में है, हम लोग अपने कमरों में मूवी देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, मोबाइल में गाने देख रहे हैं, लेकिन किसान सड़कों पे पड़े हैं, उनके लिए दुआ कीजिए। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाएं हमारे किसान भाइयों के लिए, भगवान अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे। मुझको तुम्हारी वो बंदा गरीब है, आए वो बंदा गरीब है, आए बंदा गरीब है, हर कोई बंदा गरीब है, ये सच्चाई है। आपकी दुआ से साईं का इतना करम है कि हमसर हयात ने एक एक दिन में 10-10, 12-12 लाख रुपए कमाए हैं। हमसर हयात सूफी बिरादरी से, और कभी यूट्यूब पे नहीं आया। शकील भाई यही नहीं, वहां जहां के नाम से भी डर लगने लगा है लोगों को, समझ रहे, लोग समझते हैं हम सरयात के ऊपर पैसा लुटाया, लुटाया नहीं, ये सबका आया है, वरना हम सरयात ने इतना कमाया सोच भी नहीं सकता आदमी। मैंने 92 में 91 में वहां लाखों रुपए कमाए, लाखों,
इतने पैसे कमाए हैं कि आप यकीन करें कि जो भी मेरे साथ जाता था वो परेशानी में जाता लेकिन खुश होकर घर आता था। आए हाय ये बंदा गरीब है, आए बंदा गरीब है, मेरे साईं को जिसने भी गाया, अब बेटा आखिरी शेर, मेरे साईं को जिसने भी गाया अरे उसका बड़ा नाम हो गया रातों रात, उसका बड़ा नाम हो गया, उसका बड़ा नाम हो गया, चाहे गाके कहीं से भी आया, चाहे गाके कहीं से भी आया अरे उसका इंतजाम हो गया, आए उसका इंतजाम हो गया, आए हाय उसका इंतजाम हो गया। साईं बाबा अब तो सबको गले से लगा लो, अब तो सबको गले से लगा लो, कयामत करीब है, कयामत करीब है, कयामत करीब है। शुक्रिया, अगर कोई गुस्ताखी गलती हो गई हो तो माफी चाहूंगा, क्योंकि मुझे दूसरे प्रोग्राम में जाना है आपके पास में ही राजौरी गार्डन, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआ से वही दोबारा दौर आ गया। अभी मैंने दो दिन में तीन प्रोग्राम कर लिए और बाबा का आशीर्वाद है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को साईं राम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जय माता दी राम राम, बहुत बहुत शुक्रिया।